नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम और अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे कंडेंसर के ऊपर जो वाल्व होता है उसका ग्लैंड कैसे भरें। आप देख सकते हैं कि ग्लैंड पूरी तरह टाइट हो चुका है और ये वाल्व खोलने में लीक कर रहा है, तो इस ग्लैंड को भरना पड़ेगा, इसमें ग्लैंड पैकिंग को भरना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर इसका बैक साइड काम नहीं करता हो, जैसे कि वाल्व को खोलकर और इसको बैक साइड में इसको टाइट किया जाता है ताकि बैक जो सीट है ये ऊपर बैठ जाए, जिसके कारण से गैस लीक नहीं होता है, लेकिन इसका जो है बैक सीट काम नहीं करता, तो ये जो वाल्व बंद है, वाल्व बंद में ही इसके ग्लैंड पैकिंग को लगाएंगे। एक्चुअली मैंने इसको वैक्यूम किया है हेडर को और ये वाल्व बंद है, तो ये यहाँ से गैस इधर ही रहेगा क्योंकि ये वाल्व बंद है, तो यहाँ मैंने ये सब खाली कर दिया है, वैक्यूम कर दिया है सारे हेडर को, तब इसका अब ग्लैंड पैकिंग भरेंगे। सबसे पहले इस जो स्पैंडल है इसके चक्री को निकाल लेंगे, जो चक्का है इसका निकाल लेंगे। बंद वाल्व है तो ये ध्यान होना चाहिए कि इधर का जो ग्लैंड वाले जो पर्सन होता है ये वैक्यूम हो, नहीं तो लीक करने लगेगा, फिर संभाल में नहीं आएगा। तो मैंने ये वाल्व को बंद किया है और इधर का जो प्रेशर है, गैस है, इधर ही रुक गया है और ये जो पर्सन है ये खाली हो चुका है क्योंकि मैंने पूरे हेडर को वैक्यूम कर दिया है, तो ये ग्लैंड भी साथ में वैक्यूम हो गया है। अब इस जो नट है, ग्लैंड नट को खोलेंगे। चलिए इसको खोल लेते हैं। आप पूरा कंफर्म हो जाए कि ये पर्सन वैक्यूम हुआ है या नहीं, पूरी तरह वैक्यूम कर लें तभी इस ग्लैंड नट को खोलें। आप देख सकते हैं कि बुश जो है पूरी तरह बैठ गया है। अब इस बुश को निकालेंगे और जाम हो चुका है, अंदर बैठ गया है पूरी तरह। ये का पुराना जो ग्लैंड पैकिंग है उसको किसी सुवा की मदद से इसको निकाल लेंगे। इसी तरह निकाल लेंगे, साफ कर लेंगे इसको। अब देख सकते हैं मैंने इसको साफ भी कर लिया अच्छी तरह। यह है ग्लैंड पैकिंग, तो इसको पहले हम एक राउंड मापेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ ये मैं माप लिया क्योंकि इसका कट यहाँ है और हम यहाँ से काटेंगे थोड़ा सा बड़ा, एक इंच बड़ा काटेंगे इसको। यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब इसको मैंने यहाँ कटिंग कर लिया। आप देख सकते हैं अब इसको टेपर काटेंगे, थोड़ा टेढ़ा इसके ऊपर इस तरह कट लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसको इस तरह कट लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि कट इधर है, ये कट इधर है, तो इधर का कट इधर रहेगा इसके अपोजिट साइड में, तो इसके अपोजिट साइड में उतना ही कट लगाएंगे इसमें भी। देख सकते हैं इसका कट इधर है और इसका कट इधर है, दोनों अपोजिट साइड में इस तरह आकर मिलेगा आपस में। इसको फिर एक बार चेक करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों बराबर आकर बैठ रहा है आपस में। देख सकते हैं इस तरह आप दो या तीन कटिंग करके रख लें। चलिए इसको सभी को लगाते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले ऑयल कुफी की मदद से इसमें कंप्रेसर ऑयल दे देंगे पूरी तरह और इसमें पैकिंग को लगाएंगे। अंदर इसको कर देंगे, फिर इसमें कंप्रेसर ऑयल देंगे। अब ये ध्यान रहे कि ऊपर इसका कट लगा हुआ था पहले पैकिंग का, अब दूसरे का इसके अपोजिट होगा नीचे साइड में, देख सकते हैं इस तरह।
इसको भी अंदर ठेल देंगे। फिर कंप्रेसर ऑयल देंगे। अब नीचे था कट, अब ऊपर देंगे इस तरह। अब पैकिंग लगा दिया है मैं, अब इसके बूश को लगाते हैं। अब इसमें और ऑयल भर देंगे, इसमें इसको लगाते हैं। अब इसको टाइट करते हैं। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, हिसाब से टाइट करेंगे। इसके बाद जब इसको खोलेंगे, अगर लीक करेगा तो ही इसको टाइट करेंगे। फिलहाल इतना ही टाइट करेंगे, इसके नट टाइट कर देते हैं। तो अब इसको खोलते हैं और चेक करते हैं ग्लैंड को। ठीक है दोस्तों, पूरी तरह खोल लेते हैं। अगर लीक करे तो थोड़ा टाइट कर देंगे इसको। ये खुल गया दोस्तों इस तरह आप किसी भी वाल्व का ग्लैंड भर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।